हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। आज मैं अपने बच्चे को कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, आज मैं वो गेम खेल रही है उसी से रिलेटेड आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगी। एक्चुअली मेरी बेटी जो खेल रही है वो है पेग मोजैक, ठीक है। मैंने इसको खरीद के दिया है। इसमें कुछ बीट्स होते हैं, ठीक है, कुछ बीट्स होते हैं इस तरह के, ठीक है, जिसका टिप होता है और पॉइंटर होता है पकड़ने के लिए। थोड़ा सा ये टिपिंग के लिए, जो हम लोग ग्रिपिंग एक्टिविटी बोलते हैं, उसमें ये आता है। और ये सारे ये जो बोर्ड है उसमें छेद हैं, ठीक है, ये बोर्ड में छेद हैं और ये सारे कलरफुल बीट्स उसमें घुसाना है, ठीक है। अभी तो ये प्ले ग्रुप की है तो ये कहीं कोई भी बीट्स कहीं पर भी वो घुसाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये पैक कुछ इस तरह के बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है, ये पैक कुछ इस तरह के बॉक्स में मिलेंगे और इसमें इतने सारे आइटम्स होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली हम बात करते हैं इसका क्या प्राइसिंग है, ओके। हम बात ये बेसिकली 4 इयर्स से अबव के लिए है, ठीक है, 4 इयर्स के अबव के लिए है। लेकिन मेरी बेटी को मैंने अभी दिया बिकॉज मैं इसको ये आई नो कि ये बहुत छोटा है, ये इस चीज को मुंह में ले सकती है, लेकिन मैं कभी भी इसको देती हूँ तो अपने आंखों के सामने देती हूँ। बिवेयर ऑफ दैट, अगर आपका बच्चा काफी नटखट है तो आप इस गेम को ना दें, ठीक है। मेरे बच्चे मेरे सामने खेलते हैं और मैं इसको काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ तब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसका प्राइसिंग का बात करें तो इसका प्राइसिंग अराउंड 500 के है, अराउंड 500 है, ओके। पीछे इसके सारी चीजें मेंशन की गई है, डूज एंड डोंट्स, और पीछे इसका सारा चीज मेंशन किया गया क्या 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 बना सकते हैं। बाकी गूगल सर्च करके भी आप इस तरह के इमेजेस उसको दे सकते हैं प्रिंट आउट करके और उसको कह सकते हैं क्या बनाइए। इससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट काफी तेजी से होगा और आपको उसके लिए काफी सारी चीजें से अभी मैं अपने बेटी को ए लिखने के लिए इसी पे बताती हूँ मोस्ट प्रोबेबली कि 1x1 वो इस तरह से पुट करे और एक लाइन क्रिएट करे जिससे वो ए लिख पाए, ओके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए और सब गेम से। ये हो गया फर्स्ट गेम, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकेंड गेम, सेकेंड गेम मैंने अपने बेटी के रखा है ये क्लाउन, कलर क्लाउन, ठीक है। कलर क्लाउन बेसिकली आपको 150 तक में मिल जाएगा। आप कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में इस तरह का क्लाउन कितने में मिलता है। मैंने मीशो से मंगाया है, ठीक है, आप मीशो में आराम से सर्च कर सकते हैं एजुकेशनल टॉयज करके, आपको मिल जाएगा। देन आपको आपको अपनी बेटी को इसमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर बता सकते हैं, सबसे पहले काउंटिंग बता सकते हैं 1 to 5, 1 2 3 4 5, ओके। और उसके बाद आप कलर्स बता सकते हैं। आप इस सारे रिंग्स को इधर उधर बिखेर दें और उसे कहें कि सबसे पहले रेड लेके आओ, फिर ऑरेंज लेके आओ, फिर येलो, फिर अदर कलर्स। इससे वो कलर कॉन्सेप्ट काफी इजिली सीख जाएंगे, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सबके घर में इस तरह का प्लेडो तो होगा ही। मैं ये बड़ा वाला प्लेडो खरीद के लेके आया जिसमें काफी सारा एलिमेंट्स है जिससे वो काफी सारी चीजें बना सकती है, ठीक है, और इसको काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। प्लेडो अराउंड 100 से लेकर के 500 तक मिल जाता है। ये मुझे 500 का पड़ा है और एज अप टू 3 इयर्स इसको खेल सकते हैं, ओके। ये मुझे इसमें आप सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कलर ब्लेंडिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसको कलर ब्लेंडिंग नहीं सिखा रही हूँ बिकॉज क्योंकि ये अभी तक कलर करना नहीं सीखी है और कलर के बारे में नहीं ज्यादा पहचानने लगी है, तो अभी मैं इसको कलर ब्लेंडिंग बेसिकली सिखा रही हूँ, ओके। तो अब इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं, इस बॉक्स को ओपन कर तो देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलेगा। सबसे पहले तो कई तरह के आपको मिलेंगे प्लेडो, अलग अलग कलर्स के प्लेडो मिलेंगे, जिससे ये जो ये मेरी बेटी ना काफी इससे हेल्पफुल है क्योंकि इसको स्टैकिंग करना इसको बहुत मजा लगता है, ठीक है। इस तरह से डब्बा को स्टैक करना इसको काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और दूसरी चीज कि इसमें काफी सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे लाइक ये आपने देखा होगा प्लेडो एक्टिविटी में, आप अगर इसके अंदर क्ले भरोगे और इधर से पुश करोगे, ठीक है, पुश करोगे तो क्ले बाहर आएगा। इसके बाद इसका स्केल भी है, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज, और ये क्ले वहां से बाहर आता है, ओके। तो बेसिकली मेरी बेटी को काफी मजा आता है। उसके बाद ये है एक पैन, ये पिज्जा मेकर, प्लेट और काफी सारी चीजें जैसे कि लेगो, हाँ लेगो का शेप, एरोप्लेन, ट्रेन। तो ये मेरी बेटी ना काफी ज्यादा इसके साथ खेलती है। इसमें वाले एक स्पैचुला भी मिलता है। इससे आपको ना काफी चीजें सीखने को मिलेगा, काफी चीजें इसको बताने को मिलेगा। और मेरी बेटी काफी अच्छा प्लेडो से काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी करती है, तो अभी वो पैग के साथ बिजी है।
तो ये तीनों गेम आपके बच्चों के लिए बेस्ट हैं। और भी गेम्स लाऊंगी इसके बाद में, अबव 3 इयर्स, अबव 5 इयर्स से नीचे, ठीक है, उसके लिए गेम्स लाऊंगी। बाय द वे ये सब गेम्स ना 1 to 5 इयर्स के लिए काफी बेटर है, मतलब 0 to 5 इयर्स के लिए काफी, 0 तो नहीं। तब तक के लिए बाय। और मेरे YouTube चैनल को आप सब लोग काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।